हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट प्रजी सीरीज मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट लर्नो हब डॉट कॉम सो बच्चों आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हमारी नीट बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जिनको प्रैक्टिस करके आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किन so, so, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ जो कि है फ्रॉम नीट 2016 थाउजेंड फेज वन ओके सो हमसे बोला जा रहा है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमिट रिक्वायर सो आपको ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के केस में मेल गैमिट के ट्रांसफर के लिए किस मीडियम की जरूरत होती है ये हमसे पूछा जा रहा है सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए विंड ऑप्शन बी इंसेक्ट्स ऑप्शन सी बर्ड्स या ऑप्शन डी वाटर सो दैट्स सच एन इजी क्वेश्चन राइट आप सभी को इसका आंसर आता है एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी दैट इज वॉटर आपने पढ़ा ही हुआ है कि ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं दी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी कि इनको इनके मेल के मेल गैमिट्स के ट्रांसफर होने के लिए टू रीच द फीमेल गैमिट एक मीडियम चाहिए होता है दैट इज वॉटर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन

ठीक है देन वी मूव ऑन टू द ऑप्शन बी जिसमें हमसे बोला जा रहा है सैल्वीनिया गिंको एंड पाइनस आर ऑल जिम्नोस्पर्म्स क्या ये करेक्ट है नो no, राइट right? क्योंकि हमें पता है जो सैल्वीनिया है सैलवीनिया पाइनस बोथ आर जिम्नोस्पर्म्स बट सेल्वीनिया इज नॉट दैट मीन्स ये ऑप्शन भी हो गया इनकरेक्ट ओके देन वी मूव ऑन टू ऑप्शन सी जिसमें हमसे बोला जा रहा है सिकोवा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज एंड दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट राइट क्या होता है सेकोआ इट इज जिम्नोस्पर्म, राइट तो जिम्नोस्पर्म जो कि टॉलेस्ट स्पीशीज में से कंसिडर किया जाता है दैट मीन दिस ऑप्शन इज करेक्ट फाइन तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सो अगर हम देखना चाहें तो हम अपने ना इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हो गया है इनकरेक्ट बिकॉज हमें पता है जिम्नोस्पर्म्स की जो लीव्स होती हैं वो वेल well अडेप्टेड होती हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए राइट right? क्योंकि उनके पास होता था याद करिए थिक क्यूटिकल होता था और पाइनस केस में तो आपने देखा था जो लीव होती है वो रिड्यूस हो जाती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग सो हमें यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट को करना है आइडेंटिफाई सो so, हमारा पहला स्टेटमेंट है एल्जिन इज ऑप्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैराजी फ्रॉम ब्राउन एल्गी इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट ंग रॉन्ग इन दिस राइट यहां पर इंटरचेंज कर दिया गया है सो एल्जिन इज नॉट ऑपटेन फ्रॉम रेड आल् बल्कि एल्जिन मिलता था फ्रॉम द ब्राउन एलगी राइट एंड जो कैराजिन है इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द रेड आलगी दट मीन्स यहां पर उन्होंने जो ब्राउन आलगी और रेड आलगी लिखा है वो एक्चुअली रॉन्ग है सो दिस इज द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट और यही तो हमें फाइंड करनी थी तो हमारा पहला ही ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट एंड दट मीन स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट और हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट ओके, okay, फटाफट पड़ से हम सारे ऑप्शन को भी कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हमसे बोला जा रहा है बी ऑप्शन में अगर अगर इज ऑप्टेन फ्रॉम जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया ये परफेक्टली करेक्ट आपको पता है अगर अगर इज अगेन अ हाइड्रोकोलॉइड जो कि रेड एल्गी से मिलता था और रेड आलगी हैं दोनों जलिडियम एंड ग्रासिलेरिया ओके देन वी हैव लेरिया एंड सरगासम आर यूज यर फूड

ओके नाउ लेट्स सी आवर प्रॉब्लम नंबर फोर सो कोनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है जो कोनिफर्स होते हैं वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो बेयर कर सकते हैं कोनिफर्स क्या होते थे दिवर

टेम्परेचर कंडीशन को यू नो ओवरकम करने के लिए इनकी जो लीव्स होती हैं, दे आर कन्वर्टेड इन -like structures. तो पर broad, hardy leaves कैसे हो हो सकती है है, ना? That means, ये वाली condition भी हो गई. Incorrect. अब हमारे सामने है एक बहुत इजी 2017, जिसमें हमसे पूछा जा रहा एन एग्जांपल ऑफ कोलोनियल एल्गा इज तो हमको बताना है कि कोलोनियल एल्गा इनमें से कौन सा है आई नो आपको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है आपको आंसर आता है बट लेटस रीड दस ऑल्सो सो हमारा ऑप्शन ए इज वॉलवॉक्स Is going to be, yes, the is a, आपने ही हुआ है वॉलॉक्स एक कॉलोनियल एलगा है जिसकी कॉलोनी को हम क्या बुलाते थे बी यूज टू कॉल इट सीनोबियम ओके आपको याद आ रहा होगा वो एस ए बॉल्स स्ट्रक्चर जिसमें कि रिपीटिंग यूनिट्स होते थे क्लमाइडोमोनाइक है ना सो so, ये

सो so, हमसे पूछा जा रहा है जायगॉटिक मियोसिस जो है वो किन इन में इनमें से किन ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सो so, आपको याद आ रहा होगा जयगॉटिक मियोसिस आपने कहा पढ़ा था यस बी स्टडीड इट इन द दिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना हिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा गया है दैट मीन जायोट शो करता है मियोसिस ओके सो ये जो लाइफ साइकिल होती थी अगर आपको याद हो सो दिस वाज एग्जिबिटेड बाय मोस्ट ऑफ द एल्गी राइट लेकिन देर वर सर्टन एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑल्सो कि कुछ ऐसे भी एल्ग हैं जो कि हिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो नहीं करते थे अगर आपको वो एक्सेप्शन याद होंगे तो आपको इसका आंसर ढूंढना बहुत आसान लगेगा दैट मीन फटाफट से हम पहले एलिमिनेशन मेथड से इस आंसर के यू you नो know, कुछ ऑप्शन को कर देते हैं एलिमिनेट राइट सो हमारे पास हमें पता है कि ये जो लाइफ साइकिल है शो करते हैं एल्गे दैट मीन्स मार्केशिया विच इज अ ब्रायोफाइट ये ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो जाएगा ना Isn't it? Then we have option B, funeria, जो कि एक है, है वो भी ये नहीं करेगा, है ना? तो हमारे पास बचते हैं हैं, दो की, यानी की कि so अगर आपको exceptions याद हैं, तो आप इस आंसर को इजिली फाइंड कर लेंगे दैट मीन आपको याद होगा फ्यूकस वॉज एन एक्सेप्शनल केस जो कि शो करता था डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल याद है दैट मीन ये वो एक्सेप्शन है जो कि

ऑप्शन बी हिप्लो डिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक ऑप्शन सी हिप्लो डिप्लॉन्टिक एंड हेप्लॉन्टिक एंड फाइनली ऑप्शन डी हेप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक सो अगर आपको याद हो तो आपको इजीली इस आंसर तक पहुँचने में कोई नहीं रोक सकता इट? सो so, आपको पता है ये दोनों ही दोनों जो केस हैं वो एल्गी के एक्सेप्शनल केसेस हैं So, आपको याद होगा मैंने आपको बोला था मोस्ट ऑफ शो करते हैं लाइफ साइकिल बट वर जिनमें कि आप इन दोनों एक्सेप्शन को यहां पर डिनोट कर सकते हैं दैट मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि फ्यूकस शो करता है कौन सी टाइप की लाइफ साइकिल ओके एंड देन अगर आप बात करते हैं एक्टोकार्पस की तो वो शो करता था हेप्लोडिप्लॉन्टिक ओके okay? सो so, अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर है तो आपको पता होगा आपका आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी दैट इज हेप्लोडिप्लॉन्टिक एंड बिकॉज हमसे पहले पूछा गया है एक्टोकार्पस दैट मींस एक्टोकार्पस का हमको हेप्लोडिप्लॉन्टिक पहले कंसीडर करना है एंड फ्यूकस का डिप्लॉन्टिक बाद में राइट right? अच्छा आप मुझे बता सकते हैं ऐसी कौन सी और स्पीशीज हैं जो कि हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती थी स अनदर एग्जाम्पल जो मैं यहां लिख देता हूं दैट इज ऑफ पॉलीसाइफोनिया जो कि कौन सी एल्गी थी भाई दिस वॉज अल्गी ब्राउन एल्गी इज एंटेड तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर रखनी है एंड सो ऑल्सो आपको कैल्फ भी याद रखने होंगे कैल्फ भी शो करते हैं द हिप्लोटिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सो कैल्फ बी अनदर एक्सेप्शन है जो कि आपको याद होने चाहिए ओके तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम एट जिसमें हमसे बोला जा रहा है टू सेलेक्ट द मिसमैच राइट सो हमको यहां पर दो कॉलम्स दे रखे हैं जिनमें हमको कुछ आइटम्स दे रखे हैं और हमें ये चेक करना है कि हर ऑप्शन में क्या कॉलम वन का आइटम कॉलम टू के आइटम से मैच है प्रॉपरली अगर वो नहीं मैच्ड है प्रॉपरली तो वो ऑप्शन हमको करेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इजेंटेड क्योंकि हमें मिसमैच मैच फाइन करना है ओके okay. सो so, हम यहां देखते हैं ऑप्शन ए में साइकस इज मैचिंग विद डायोशियस कंडीशन तो आपको पता है साइकस होता है डाइकोशिय

मेल यानी कि मेल स्टोबिलास और जो फीमेल बॉडी होती है उसके पास होते हैं फीमेल राइट सो ये वाला ऑप्शन तो वैसे करेक्टली मैच है इसलिए हम इसको कर देंगे यहीं पर एलिमिनेट देन वी हैव सेल्विनिया सो सेल्विनिया आपको याद है इट इज अ टेरिडोफाइट और उसके आगे मैच किया जा रहा है इसको विथ हेट्रोस्पोरस कंडीशन और आपको मैंने हेट्रोस्पोरस कंडीशन को याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक बताई थी यू कैन यूज इट एज सेल साल तो मैंने आपको बोला था सेल इज फॉर से लैजिनेला एंड सैल इज फॉर सैलविया दैट मीन सैलवीनिया एज अ हिट्रोस्पीशीज तो ये भी करेक्टली मैच है इस ऑप्शन को भी हम कर देंगे यहीं पर एलिमिनेट न वी हैव दर्ड ऑप्शन विच इक्विटम जिसको मैच किया गया है विथ होमोस्पोरस कंडीशन तो जब हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल में इक्वीसीटम का कोई रेफरेंस नहीं है यहाँ पर सेल, कि और सालमिनिया नहीं है ओके दैट मीन्स ये भी करेक्टली मैच होने की वजह से कर दिया जाएगा एलिमिनेट एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन डी जिसमें हमको पाइनस को मैच कराया गया है विथ डायोशिस कंडीशन ये कंडीशन है रॉन्ग राइट right? तो ये वो ऑप्शन है जो कि मिसमैचड है क्योंकि पाइनस के केस में आप देखते हैं मोनोशिश कंडीशन को मोनोशिश कंडीशन में क्या होता था एक ही प्लांट बॉडी पे मेल और फीमेल सेक्स प्रेजेंट होते हैं so पाइनस सो इज पाइनस की जो मेन बॉडी होती है उस पर मेल कोन और फीमेल कोन दोनों प्रेजेंट होते हैं इसीलिए ये वाला जो मैच है वो रॉन्ग है ओके सो so इसको आपको मैंने याद भी करना सिखाया था विदर पी एम ओके okay? सो so, आप प्राइम मिनिस्टर से भी इसको याद रख सकते हो या एमपी बना के आप मध्य प्रदेश से भी इसको याद कर सकते हो विद एनी वे तो आपको बस इसको याद रखना है ओके सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर नाइन फ्रॉम द ईयर टू ओके सो हमसे यहां पर बोला जा रहा है डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय सो डबल फर्टिलाइजेशन किन प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कौन से प्लांट्स से हैं जो इस फिनोमिन को शो करते हैं यस yes, तो आपको इसका आंसर आता ही है जल्दी से फटाफट से ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए इज एल ऑप्शन बी इज ऑप्शन सी इज एंजियोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स एंड ऑप्शन ऑप्शन डी इज इज द करेक्ट आंसर सी आपने पढ़ा ही है यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें देखे गई है डबल फर्टिलाइजेशन की फिनमिनल और डबल फर्टिलाइजेशन इसको क्यों कहते हैं बिकॉज यहां पर दो फ्यूजन इवेंट्स होते हैं पहले इवेंट को हम कहते थे सिनगैमी और दूसरे इवेंट को हम कहते थे ट्रिपल फ्यूजन ओके सो दो फ्यूजन इवेंट्स होने की वजह से ही इसको कहा गया था डबल फर्टिलाइजेशन और इस फिनन को सबसे पहली बार डिस्कवर किसने किया था निवास ने राइट तो चलिए देखते हैं बच्चों अपनी प्रॉब्लम नंबर टेन को जिसमें हमसे बोला जा रहा है वॉट इज नॉट ट्रू फॉर एन एंजियोस्पोमिक एम्ब्रियोसेक तो जो एम्ब्रायोसैक है उनसे रिलेटेड इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट या फिर विच इज नॉट ट्रू ओके सब और ऑप्शन दार ऑप्शन ए वन मेल गैम इज डिस्चार्ज इन टू द इन टू इट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है नो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट आपको पता है एम्ब्रायोसैक में जो है दो मेल गैमिट रिलीज करता है पोलन ट्यूब याद है आपको दो मेल ग्रामिट में से एक मेल ग्रामिट याद करिए वो फ्यूज़ करता था विद द एग एंड द सेकंड मेल ग्रामिट यूज टू फर्टिलाइज विद द टू पोलर न्यूक्लिया और क्या बनता था साथ में ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं अपनी कॉन्सेप्ट एड ऑन वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं राइट right? सो so, ये वो स्टेटमेंट है जो कि हो गई इनकरेक्ट बिकॉज हमें पता है दो मेल ग्रामिट्स रिलीज होते हैं इन साइड एम्ब्रायोसैक सो यही वो स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है ना तो दैट मीन्स दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन फाइन तो जल्दी से अपनी बाकी के स्टेटमेंट्स को भी कंसिडर कर लेते हैं सो so, हमारी जो बी स्टेटमेंट है वो हम तो कह रही है इट इज प्रेजेंट विद इन ओव्यूल आपको पता है जो फीमेल uh, होता है यानी कि जो एम्ब्रायोसैक uh, है वो प्रेजेंट है इन साइड ओव्यूल मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था समथिंग लाइक दिस ओके सो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज द ओव्यूल है ना सो दिस इज द ओव्यूल एंड दिस इज द

करेक्ट तो इसको करना पड़ता हमको एलिमिनेट एंड फाइनल वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी जिसमें हमसे बोला जा रहा है इट्स फॉर्मेशन इज प्रोसीडेड बाय मियोसिस तो आपको पता है फीमेल गैमिटोफाइट किससे डेवलप करता था मेगास्पोर से और मेगास्पोर किससे बनता है बाय द मियोसिस है ना किन सेल्स की मियोसिस से द

उनमें से एक जो है वो फंक्शनल रहता था दैट यूज टू गिव राइस टू द एम्ब्रायोसैक्ट है ना द फीमेल गैमिटोफाइट को आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 11 पर जिसमें हमसे बोला जा रहा है टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग यानी कि दी हुई इन चार स्टेटमेंट में से हमको फाइंड आउट करनी है द रोंग स्टेटमेंट सो जल्दी से हम कंसिडर करते हैं अपनी पहली स्टेटमेंट को विच इज इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम टेम्परेचर मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड ऑन स्लॉट ऑफ विंड स्टेटमेंट तो हो गई करेक्ट आपको पता है के केस में जो लीव होती हैं, वो नील लाइक -like होती हैं, ताकि वो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को बेयर कर सकें. जहां पर टेम्परेचर यू नो मॉइस्चर और जो विंडस के इफेक्ट होते हैं उनसे ये अपने आप को बचा सकते हैं तो ये स्टेटमेंट तो होगी करेक्ट ना देट मीनस इस ऑप्शन को करना पड़ेगा हमको एलिमिनेट

मेंबर्स uh, uh, के साथ एसोसिएशन जो कि हायर प्लांट्स के रूट शो करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है so, यानि कि ये भी करना पड़ेगा हमको एलिमिनेट देन वी हैव ऑप्शन सी जिसमें हमसे बोला जा रहा है द कोरोलॉयड रूट्स इन फाइन क्योंकि आपने पढ़ा है कोरोलॉइड रूट्स जो साइकस में मिलते थे याद है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स जो कि

जिम्नोस्पर्म है ना तो इसका मतलब ये वो स्टेटमेंट है जो कि है इनकरेक्ट और इसी को तो करना था हमको आइडेंटिफाई तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर ट्वेल्व को जिसमें हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सो हमको यहां पर दी हुई इन चार स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट को करना है आइडेंटिफाई तो so, हमारा पहला जो स्टेटमेंट है जो कि ऑप्शन ए के फॉर्म में है इट से

बट आपने पढ़ा है सेड्रस और पाइनस के केस में देयर यूज्ड टू बी अ ब्रांच स्टेम सो ये स्टेटमेंट इस एग्जांपल की वजह से हो गई रॉन्ग सो so, ये ऑप्शन भी यहीं पर हो सकता था एलिमिनेट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर थर्टीन जो कि है फ्रॉम नीट 2018 जिसमें हमसे बोला जा रहा है व्हिच वन इज रॉन्गली मैच्ड तो हमको फाइंड करना है इन यू नो मैच्ड में से कौन सा आइटम रॉन्गली मैच्ड है सो so, हमारा पहला ऑप्शन है इन क्या इनका कॉम्बिनेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो so, याद करिए पॉलीसाइफोनिया को पॉलीसाइफोनिया पॉलीसाइफोर्निया अ रेड एलगी याद है आप सबको परफेक्ट अगर याद है तो वेरी गुड सो रेड एल्गी होने की वजह से मैंने आपको बताया था रेड एल्गी या जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं उनमें कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं है इन एनी ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल सो अगर इनकी पूरी लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं है दैट मीन्स इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होना चाहिए चाहे इनके गैमिट्स हो चाहे इनके स्पोर्ट्स हों सभी के सब होंगे नॉन मोटाइल ओके तो यहाँ पर यूनिफ्लाजिडेड गैमिट्स कहाँ से आ गए

यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज क्लोरेला दैट्स परफेक्टली फाइन मैंने आपको बताया था क्लोरेला एक ग्रीन एल्गा है जो कि यूनिसेल्यूलर नॉन मोटाइल फॉर्म को एग्जिबिट करता है यानी कि इसके पास कोई फ्लैज या लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है एंड इट इज यूनिसेल्यूलर तो दैट मीनस ये वाला मैच भी करेक्ट होने की वजह से कर दिया जाता है एलिमिनेट एंड अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 14 को जो कि है फ्रॉम द ईयर 2019 जिसमें हमसे बोला जा रहा है From evolutionary point of view, retention of female gametophyte while developing embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in. So, you know, female gametophyte ka parent sporophyte pe retain rehna hai na jab tak ki embryo ko puri tarah se development nahi ho jata hai. इस फिनोमिना को सबसे पहली बार किन plants में देखा गया था so, हमारे पास options हैं option A mosses, option B टेरिडोफाइट्स ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म्स एंड ऑप्शन डी लीवर बर्ड्स तो इसका आंसर आप सभी को आता है मैंने आपको टॉपिक भी पढ़ाया था अपनी कॉन्सेप्ट एड वाली वीडियो में जहां पर हम लोगों ने सीर हैबिट के एवोल्यूशन को देखा था और वो कहां से स्टार्ट होता था इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स राइट ओके तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 15 को जिसमें हमसे बोला जा रहा है पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन दिस इज बिकॉज सो हमसे बोला जा रहा है कि जो पाइनस की सीड्स होती हैं वो किसी फंगल एसोसिएशन की एब्सेंस में जर्मिनेट करने से फेल क्यों कर जाती है और ऑप्शन आर ऑप्शन ए जो जर्मिनेशन को रोकते हैं या ऑप्शन बी इट्स एम्ब्रायो इज ए इनका एम्ब्रायो ही फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है क्या या ऑप्शन सी इट हैज्लिकेट एसोसिएशन विद माइकोराइजे क्या ये एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं विद माइकोराइज़े या ऑप्शन डी इट हैज अ वेरी हार्ड सीड कोट या इनका सीड कोट ही इतना हार्ड होता है कि एम्ब्रायो ऑब्वियसली डेवलप नहीं हो पाता है जर्मिनेशन सीड का पॉसिबल नहीं होता है सो ऑब्वियसली हमको ना अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से एनालाइज करते हैं सो यहाँ पर हमको पाइन सीट का फंगस के साथ एसोसिएशन बताया जा रहा है राइट right? सो so, अगर आपको याद हो के केस में मैंने आपको जब पाइनस के बारे में बताया था तो मैंने कहा था पाइनस के जो रूट्स होते हैं दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई जिनको हम कहते थे माइकोराइजे याद है आप सबको तो माइकोराइजे वाले जो इस रिलेशनशिप है इसमें फंजाई जो है वो पाइन ट्रीज को कैसे बेनिफिट करते थे एक्चुअली ये इनके रूट में obviously एक नेटवर्क फैला देते थे अपने हाईफी का और वो नेटवर्क क्या करता था सर्विस एरिया बढ़ाता था और वाटर और मिनरल ऑब्जॉर्शन को फैसिलिटेट या हेल्प करता था फॉर द पाइन रूट्स ओके सो ये एक एडवांटेज था दूसरा एडवांटेज ये है कि ये पाइन सीड्स को के चारों तरफ ऑब्वियसली एसोसिएशन होगा यानी कि माइकोराइजा का एसोसिएशन होगा तो ये जो फंजाए हैं ये उस सीड को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द सॉइल बॉर्न डिजीजेस यानी कि सॉइल में कुछ ऐसे पैथोजेंस भी होते हैं जो कि यू नो इस सीड को इंफेक्ट कर देते हैं और सीड जर्मिनेट होने से जर्मिनेट नहीं हो पाता है राइट right? सो so, अगर ये एसोसिएशन नहीं होगा तो वो फंगल एसोसिएशन ना होने की वजह से जो सॉइल बॉन्ड पैथोजेंस हैं वो इस सीड को कर देंगे इन्फेक्ट और सीड जो है वो जर्मिनेट करने से हो जाएगा फेल सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी दैट इट हैज टू फॉर्म एन ऑब्लिकेट एसोसिएशन अ विदक्रोराइजे तभी वो सीड जर्मिनेट कर पाएगा अच्छे से अदरवाइज इट विल नॉट द रीजन मैंने आपको बताई दिया है कि जो सॉइल बॉर्न डिजीजेस हैं वो ये सीड कैच कर लेगा एंड इट विल फेल टू जर्मिनेट सो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी ओके तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 16 को जो कि है फ्रॉम द ईयर 2020 जिसमें हमसे बोला जा रहा है फ्लोरिडियन स्टार्च हैज सिमिलर टू तो आपको पता है फ्लोरिडियन स्टार्च क्या होता है इट वाज अ रिजर्व फूड मटेरियल इन रेड एल्गी है ना रेड so, केस में आपने देखा था जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट यूज्ड टू बी द फ्लोरिडियन चार्ज और मैंने आपको जब पढ़ाया था इस टॉपिक को इन माय कॉन्सेप्ट एड ऑन वाला वीडियो तो आपको याद होगा जो फ्लोरिडियन चार्ज का स्ट्रक्चर है वो मैच करता था किन्हीं दो बायोमोलिक्यूल से तो हम ऑप्शन को फटाफट देख लेते हैं ऑप्शन ए है हमारा स्टार्च इन सेलिरोज

टू जनरेशन वन विद इन दी अदर सो हमको बेसिकली यहां पर कुछ ऑप्शन डी में आपको Uh, दो प्लांट पार्ट्स दिए हुए हैं इन ईच केस जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से ऐसे ऑप्शन है जहां पर दोनों प्लांट पार्ट्स दो डिफरेंट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब दो डिफरेंट जनरेशन का मतलब क्या हुआ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड द गैमिटोफेटिक जनरेशन राइट तो स्पोरोफिटिक जनरेशन ऑब्वियसली आपकी डिप्लॉयड होने वाली है एंड गैमिटोफेटिक जनरेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी हिप्लॉइड राइट सो हमको बेसिकली प्लॉयडी अगर याद है इन स्ट्रक्चर्स की तो हम उनके जनरेशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे और देखते हैं किन किन ऑप्शंस में आपको दो डिफरेंट जनरेशन देखने को मिल रही हैं ओके सो so, हमारा पहला जो ऑप्शन है उसमें है पोलिंग ग्रेन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते थे आर द मेल गैमिटोफाइट याद है आपको जो कि डेवलप होते थे फ्रॉम द माइक्रोस्पोर राइट सो अगर ये मेल गैमिटोफाइट है तो गैमिटोफिटिक बॉडी का मतलब बेसिकली आप जानते हैं कि इनकी प्लॉइडी हो गई आप जानते हो एंथर जो है वो देखने को मिलते हैं इनकेस फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट की जो मेन बॉडी है दैट इज स्पोरो मतलब इसकी बॉडी की जो प्लॉइडी होगी दैट इज गोइंग टू बी

ये रिप्रेजेंट कर रहा है गैमिटोफेटिक जनरेशन विच इज हेप्लॉइड और जो मेल गैमिट्स है वो भी क्या होते हैं हेप्लॉइड इन नेचर इसका मतलब ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं द गमिटोफेटिक जनरेशन ओके तो इसका मतलब ये वो ऑप्शन है जिसमें कि आपको एक जनरेशन दूसरे के अंदर नहीं दिख रही यानी कि दोनों जनरेशन यहां पर सेम है बोथ आर है गैमिटोफेटिक इन नेचर तो यानी कि ये वो ऑप्शन है जिसको आपको करना पड़ेगा एलिमिनेट ऑप्शन सी जिसमें हमसे बोला जा रहा है सीड इन साइड द फ्रूट तो यहां पर दो स्ट्रक्चर है और तो आपको पता है सीड डेवलप होता है ओव्यूल राइट right? और ओव्यूल को हम क्या कहते थे द मेगा स्पोरजियम अब स्पोरेंजियम वर्ड से आपको याद आ रहा होगा कि यहां पर बेसिकली इट इज अफिटिक स्ट्रक्चर जिसकी प्लॉइडी क्या होगी डिप्लॉइड इज एंटेड सो सीड इज अरोफिटिक बॉडी राइट right? और ये डिप्लॉयड है वी टॉक फ्रूट फ्रूट जो है वो किससे डेवलप होता था फ्रूट डेवलप होता था फ्रॉम दी ओवरी और ओवरी भी क्या होती है अ डिप्लॉयड तो यानी कि इस ऑप्शन में भी आपको दो डिफरेंट जनरेशन देखने को नहीं मिल रही है वन विद इन दी अनदर ओके देन वी हैव ऑप्शन डी जिसमें एम्ब्रायोसैक की जा रही है so,

तो ये वाला ऑप्शन भी बेसिकली करेक्ट जा रहा है तो अब हमको ऑप्शन वन टू थ्री एंड फोर में से उन ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है जिनमें कि आपको यू you नो know, दो डिफरेंट जनरेशन देखने को मिली सो so, हमारे पास हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था विच इज ऑप्शन ए एंड डी तो हम जल्दी से अपने वन टू फोर ऑप्शन में देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमको ए और डी uh, सही आंसर माना जा रहा है एंड दैट इज नंबर एटीन को जिसमें हमसे बोला जा रहा है स्ट्रोबिलाई और आर फाउंड इन और ऑप्शन बी टेरिस ऑप्शन सी मार्केशिया या ऑप्शन डी इक्वेसिटम सो हमसे बोला जा रहा है जो स्ट्रोबिलाई या जो कोन्स होते हैं वो इनमें से किन प्लांट्स में देखे जाते हैं तो कोन्स का जो आपको डेवलपमेंट है वो देखने को मिला था में? के केस में, में. तो इसका मतलब ब्रायोफाइट है हमारे तो पास तीन ऑप्शन बचते हैं साल्विनिया टेरिस और इक्विजम तो मैंने आपको याद करिए ट्रिक बताई थी टू तो रिमेंबर कि कौन कौन से ऐसे टेरेडोफाइट्स हैं जो कि स्टोबिलस का फॉर्मेशन शो करते हैं यानी कि कॉन्स का फॉर्मेशन शो करते हैं तो आई है यू कि आप सिंपली इसको तीन वर्ड से याद कर सकते हैं इज इक्वल सो आपको पता था इक्वल इज फॉर इक्वेसिटम। स्ट्रॉ इज जस्ट टू रिप्रेजेंट हम स्ट्रोबुलस के बारे में बात कर रहे हैं एंड सो एंड इक्वेसिटम वर द टू टेरिडोफाइट्स जो कि शो करते थे कोन का फॉर्मेशन या स्ट्रोबुलस का फॉर्मेशन सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन equisetum over डी हो गई हो टेरिस एंड सलवीनियाम तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं 19 को, जिसमें बोला जा रहा है, so, है यहाँ पर दिए हुए इन पेयर ऑफ एल्गी में आपको उन पेयर को आइडेंटिफाई करना है जो की यूनिसेल्युलर एल्गी है राइट right? सो so, हमारे पास ऑप्शन आर ऑप्शन इज लैमिनेरिया एंड सार्गसम सो so, आप अगर रिकॉल कर पाए तो लैमिनेरिया एंड सार्गसम ऑफ तो आपको अगर उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये पता है कि दे आर ऑल मल्टी सेल्युलर इसका मतलब दे आर नॉट गोइंग टू बी दूनिसलर वंस. तो हम ये ऑप्शन को यहीं पर एलिमिनेट कर सकते हैं

Uh, क्या ये यूनिसेल्युलर एल्गा का पेयर है तो आप ये देखिए एनाबेना जो है इट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी राइट और ये फिलामेंटस मल्टी सेल्युलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है तो आप कहेंगे अगर ये साइनो बैक्टीरिया है यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है और क्योंकि हम साइनो बैक्टीरिया को प्लेस करते थे इन किंगडम मोनेरा तो ये मल्टी सेल्युलर कैसे हुए एक्सेप्शनल okay? so, केस है एना बेना का जो कि मल्टी सेल्यूलर फॉर्म को एक्सिबिट करता है साथ ही अगर हम वॉल की बात करें तो आपको पता है, एक ग्रीन है जो कि कोलोनियल फॉर्म ऑफ एल् को रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब ये यूनिसेल्युलर तो नहीं होगा इसका मतलब ये ऑप्शन भी हो गया यही पर एलिमिनेट एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी जिसमें आपको क्लोरेला एंड स्पाइरोना दिया हुआ है सो so, क्लोरेला मैंने आपको पढ़ाया है ये ग्रीन एल्गा है जो नॉन मोटाइल है and spirulina is a blue green algae cyanobacteria which is unicellular so final answer is going to be option d to chaliye bachcho discuss karte hain apni problem number 20 ko jo ki hai from the year 2021 jisme humse bola ja raha hai which of the following algae contain mannitol as its reserve food material so कौन सी ऐसी algae हैं जो अपना food reserve जो है वो mannitol के फॉर्म में store करते हैं, okay so our options are option a eulotrophix option b ectocarpus ऑप्शन सी ग्रासिलरिया या ऑप्शन डी वॉल्वॉक्स सो अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था जो मैनेटॉल और लैमिनेरिन है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता था इन केस ऑफ द ब्राउन एल्गी अगर आपको इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन पता है तो आप इसका आंसर इजीली ढूंढ लेंगे राइट right? सो so, आप

So, ये जो हाइड्रोकोलॉइड है ये कौन से एल्गी प्रोड्यूस करते हैं ये आपको बताना है सो अवर ऑप्शन आर ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन एलगी ऑप्शन बी ग्रीन एलगी ऑप्शन सी ब्राउन एल्गी या ऑप्शन डी रेड एल्गी तो अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी भी रिकॉल रिकॉल uh, हो रही है तो आपको पता है जो कैराजीन है कैराजीन और अगार नाम के दो हाइड्रोक्लॉइड प्रोड्यूस करते थे

स ऑफ ब्रायोफाइट्स याद है आप सबको सो so, हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट फड़ से हमारे ऑप्शन ए इज सम लिवर वर्ड ऑप्शन बी मॉसिस ऑप्शन सी टेडिडोफाइट्स या ऑप्शन डी समोस्पम्स सो अगर हमने कहा है कि गेमे प्रेजेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स में तो ऑप्शन सी टेरेडोफाइट्स और ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म्स तो यहीं पर हो गए एलिमिनेट अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं विच इज लीवर वर्ड्स या मॉसिस सो so, अगर आपको याद हो गेमे के बारे में तो गेमे होते थे ए सेक्शुअल बर्ड्स याद है सो so, गेमे वर ए सेक्शुअल बर्ड्स जो कि कप लाइक -like रिसेप्टिकल्स पे प्रेजेंट होती थी राइट right? सो so, गेमे वर प्रेजेंट इन Gemma और अगर आपको मेरा add -on वाला वीडियो याद है तो आपने वो स्ट्रक्चर देखे होंगे गेमा बर्ड्स राइट सो गेमा या गेमा कप्स जो है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं सम लीवर वर्ड्स के राइट right? सो so, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सम लीवर वर्ड्स ओके एंड मोसेस इज गोइंग टू बी

तो इसका आंसर तो आप सभी को आता है डोंट गेट कंफ्यूज राइट सो हमारा करेक्ट आंसर इज हेटरोस्पोरस राइट क्योंकि हेट्रोमीन्स होता था डिफरेंट एंड स्पोरस मीन स्पोर्ट्स तो यहां पर स्पोर्ट्स की तो बात हो रही है ना सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी हेट्रोस्पोरस नॉट हेट्रोसोरस राइट ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है राइट right? तो so, चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी है जिसमें हमसे बोला जा रहा है सो हमारे पास ऑप्शन ए इज पॉर्फा विद फ्लोरिडियन स्टार्ज तो आपको याद है पॉफाइरा यूज टू बी अ रेड एल्गी और रेड एल्गी के आपको फ्लोरिडियन स्टार्ज देखने को मिलता है एज अ रिजर्व फूड मटीरियल दैट मीनस ये पेड़ तो करेक्ट है ना दैट मीनस ये ऑप्शन हो गया

तो ये मैच भी करेक्ट हो गया ऑप्शन है इन करेक्टी के, के स्टार्च और यहां पर इसको मैनेटॉल से मैच किया गया है मैनेटॉल यूज टू बी रिजर्व फूड मटीरियल इन ब्राउन एल्गी इसी की वजह से इस मिस मैच पर को हम कर देंगे यू नो करेक्ट द रीजन इज क्योंकि ये मिसमैच पेयर ही हमको फाइंड करना था तो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को विच इज प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी फाइव जो कि है फ्रॉम दर ट्वेंटी ट्वेंटी टू जिसमें हमसे बोला जा रहा है हाइड्रोक्लोइड कैराजीन इज ऑबटेन फ्रॉम सो कैराजीन नाम का जो हाइड्रोक्लॉइड होता है वो किस टाइप की एल्गी में आपको देखने को मिलता है

जो हाइड्रोक्लोइड देखने को मिलता है दैट इज एलजन वाइल जो रोडोफाइसी के मेंबर्स होते हैं उनमें हाइड्रोक्लोइड देखने को मिलते हैं राजीन तो दैट मीनस जो कैराजी नाम का हाइड्रोक्लोइड है हमारी आज की सेशन की लास्ट क्वेश्चन पर विच इज प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी जिसमें हमसे बोला जा रहा है टू मैच द प्लांट विद्ड ऑफ लाइफ साइकिल इट एग्जिबिट्स इन कॉलम या लिस्ट ए में दिए हुए प्लांट को हमें उनके लाइफ साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर से मैच करना है जो कि आपको लिस्ट में दे रखे हैं सो so, हमारे पास जो पहला आइटम है इन लिस्ट ए दैट इज स्पायरोगायरा याद है स्पायरोगायरा क्या होता था स्पायरोगायरा वाज एन एल्गी राइट सो एल्गी की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें आपको हमेशा कैसी होती है इनकी मेन प्लांट बॉडी इट इज अ डोमिनेंट हेप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट राइट सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू मैच विद ऑप्शन सेकंड ओके देन वी हैव फर्न्स तो फर्न्स के केस में आपको पता है यानी कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी होती है एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इजेंट इट सो यहाँ पर इनकी जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है दैट इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो कि अल्टरनेट करती है विथ अ रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस याद है ना प्रोथैलस का फॉर्मेशन आपको कहाँ दिखता था इनकेस ऑफ टेरिडोफाइट्स सो दो ऑप्शन बी इज गोइंग टू मैच विद द थर्ड वन राइट सो हम ए को सेकंड से मैच करवाएं अगर तो हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए इज इज मैचिंग मैचिंग विद विद सेकंड ऑप्शन 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 बी बी एंड एंड डी ओके थर्ड ओवर ईयर दैट मींस यहां यहां पर match, यहां पर बी का मैच थर्ड से देखने को मिल रहा है इसका मतलब हमारे ये तीन ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट एंड द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी राइट अभी हम फटाफट -फड़ से बाकी के ऑप्शंस को भी कंसीडर कर लेते हैं जैसे कि फ्यूनेरिया जो है उसमें क्या होता है एक डोमिनेंट फ्यूनेरिया क्या है इट इज अ ब्रायोफाइट ना तो उसके केस में जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो क्या होती है एक गैमिटोफिटिक जनरेशन राइट क्योंकि फ्यूनेरिया रिप्रेजेंट करता है मॉस और जिनमें आपको लीफी गैमिटोफाइट देखने को मिलता था वो ऑल्टरनेट करता है विद अ पार्शियली डिपेंडेंट मल्टी सेल्युलर राइट ओके एंड फाइनली जो डी ऑप्शन है वो मैच कर रहा है विद द फर्स्ट वन क्योंकि आपको पता है साइकस है जिसकी मेन प्लान बॉडी डिप्लॉइड है, है, है ना और वो एक एक्सपोरो जनरेशन है जिसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम भी पाए जाते हैं यानी कि हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट देखने को मिलता है केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स फॉर्म ऑफ अन गन ओके सो द फाइनल आंसर विच इज गोइंग टू बी करेक्ट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी सो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने अपने चैप्टर प्लांट किंगडम से रिलेटेड पास्ट सेवन ईयर में पूछे गए हुए सारे क्वेश्चन को किया है डिस्कस So, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने मेरे साथ इन क्वेश्चन को किया होगा प्रैक्टिस और आप सभी को इन क्वेश्चन के सोल्यूशन ईजिली समझ आ गए होंगे सो so, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम कुछ और कॉन्टेंट लेके आपके सामने होंगे हाजिर तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और आप सभी जानते हैं लर्नो हब हाँ, फ्री है पर बेस्ट है